द केरला स्टोरी रिलीज के बाद से खूब सुर्खियों में है। पहली चर्चा फिल्म की कहानी को लेकर है, दूसरी चर्चा फिल्म के कंट्रोवर्सी पर है और तीसरी चर्चा इस फिल्म की वो चार लड़कियां हैं जो द केरला स्टोरी में अपनी अदायगी से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। तो क्या आप जानते हैं कि 100 करोड़ के पार जाने वाली इस फिल्म की लड़कियाँ कौन है? आइए जानते हैं। दरअसल इस फिल्म में आदा शर्मा जो शालिनी उन्नीकृष्णन का रोल प्ले कर रही हैं, योगिता बिहानी जो निमा, सिद्धि इडनानी जो गीतांजलि और सोनिया बलानी जो आसिफा का रोल प्ले करके चर्चे में हैं। ऐसे में हम आपको आज द केरला स्टोरी की चार एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाने वाले हैं। तो सुनिए फिर गौर से। इस लिस्ट में पहला नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन का। जी हाँ, शालिनी का किरदार आदा शर्मा ने निभाया है। वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं। आदा शर्मा को फिल्मों में आए हुए 15 साल हो गए हैं। उनकी पहली फिल्म 1920 है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म के बाद हंसी तो फंसी, फिर कमांडो 2, सेल्फी जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने कई साउंड फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि आदा शर्मा बॉलीवुड में अपने बयानों और अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से खबरों में छाई रहती हैं। निमाह। द केरला स्टोरी में निमाह नाम का एक कैरेक्टर है। निमाह के रोल में योगिता बिहानी ने दमदार एक्टिंग की है। योगिता का जन्म और पढ़ाई दिल्ली में हुआ है। एकता कपूर के टीवी शो दिल ही तो है में उन्होंने करण कुंद्रा के अपोजिट लीड प्ले किया था। इसके बाद वो कवच में भी नजर आई थी। विक्रम वेधा से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और अब वो द केरला स्टोरी से खबरों में बनी हुई है। गीतांजलि। द केरला स्टोरी की गीतांजलि का किरदार निभाने वाली सिद्धि इडनानी साउथ इंडस्ट्री फेमस एक्ट्रेस हैं। भले ही उन्हें अभी तक बॉलीवुड में नहीं देखा गया है, लेकिन वो अपनी ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से खबरों में रहती हैं। सिद्धि ने साल 2018 में साउथ इंडस्ट्री में फिल्म जम्बा लकीदी पम्बा से कदम रखा था। वो इंडस्ट्री में डिम्पल क्वीन के नाम से भी फेमस है। आसिफा। फिल्म में सोनिया बलानी ने आसिफा का रोल प्ले किया है। फिल्म में उनका दमदार नेगेटिव रोल है। बता दें कि सोनिया हिंदी टीवी शो डिटेक्टिव दीदी के नाम से फेमस है। वो बड़े अच्छे लगते हैं से लेकर तू मेरा हीरो सीरियल के लिए भी फेमस है। आगरा की रहने वाली सोनिया ट्रेंड डांसर हैं। टीवी के अलावा उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम भी किया है। उनकी डेब्यू फिल्म साल 2016 की फिल्म तुम बिन है। उनकी दूसरी फिल्म बाजार है जिसमें वो सैफ अली खान के साथ दिखाई गई थी। द केरला स्टोरी सोनिया की तीसरी फिल्म है और अब उनकी तीसरी फिल्म से उन्हें खूब प्यार पहचान मिलने लगा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।